हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ ट्विंस ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड बहुत सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स शेयर करने वाली हूं, जो कि आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। तो सबसे पहला पॉइंट है कि शुरुआत के कुछ वीक्स तक ट्विंस बेबी को डेली 8 से 12 बार ब्रेस्ट फीडिंग कराने की जरूरत होती है, जो आपको जरूर कराना है। एंड इसके अलावा आपको नाइट में भी ब्रेस्ट फीडिंग जरूर करानी है। आपको कोशिश करनी है हर 1 से 2 घंटे बाद ट्विंस बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग जरूर करानी है। अगर आप बहुत लंबे टाइम तक नहीं कराती हैं, तो आपका जो मिल्क है वो ऑटोमेटिक टपकना स्टार्ट कर देगा, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। एंड पॉइंट नंबर 2 कि जब भी आप ट्विंस बेबी को ब्रेस्ट फीड कराएं, स्पेशली शुरुआत के 6 मंथ तक, तो आपको कम से कम 20 से 30 मिनट का वेट जरूर करना है, क्योंकि शुरुआत में बच्चे फीड कम करते हैं, बल्कि फीड करते समय सोते ज्यादा हैं। तो आप एक बात का ध्यान रखें, जब बच्चे शुरुआत में फीड करते हैं तो बहुत जल्दी जल्दी पीते हैं, लेकिन जैसे ही उनका पेट भरने लगता है तो उनकी जो स्पीड होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। इससे आप बहुत ही आसानी से पता कर सकती हैं कि बच्चों का पेट भर गया या फिर नहीं भरा है। और पॉइंट नंबर 3, ट्विंस बेबी में हमेशा एक बेबी दूसरे की तुलना में थोड़ा कमजोर ही रहता है, और एक का पेट बहुत जल्दी भर जाता है एंड दूसरे का पेट भरने में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। और आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको अपने कमजोर बेबी को तब तक फीड कराना है जब तक कि वो खुद से ना छोड़ दे, और उसको बार बार एंड जल्दी जल्दी फीड कराना है, क्योंकि जितना बच्चा कमजोर होता है तो उसको उतनी ही ज्यादा भूख लगती है। एंड पॉइंट नंबर 4 कि शुरुआत के 6 मंथ तक ज्यादातर ऐसा होगा आपके साथ कि आपको दोनों बेबी को एक साथ ही फीड कराना पड़ेगा, बिकॉज वो ऊपर का कुछ भी नहीं लेते हैं एंड पूरी तरह से आपके ही ब्रेस्ट मिल्क पर डिपेंड होते हैं। तो आपको शुरुआत में बहुत ज्यादा इरिटेट हो सकता है, तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है एंड धीरे धीरे आपकी ये हैबिट बन जाएगी, और ये ट्विंस मदर की एक बहुत ही कॉमन समस्या होती है। एंड पॉइंट नंबर 5 है कि अगर आप चाहें तो एक नर्सिंग तकिया भी मंगा सकती हैं, जो कि स्पेशली ट्विंस के लिए ही डिजाइन किया गया है, जिससे कि आपको दोनों बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग कराते समय सही पोजीशंस में लेने की बहुत ही ज्यादा आसानी रहेगी, और अगर आप चाहें तो नॉर्मल तकिया का भी यूज कर सकती हैं। एंड पॉइंट नंबर 6, आपको अपने दोनों बेबी को दोनों ब्रेस्ट से फीड कराना है, आपको उनकी पोजीशन चेंज करते रहना है, और अगर आपका किसी भी रीजन से मिल्क अच्छे से नहीं आ रहा है तो आप बच्चों को हमेशा फॉर्मूला मिल्क ही दें। आप अपने बेबी को अपना ब्रेस्ट मिल्क जो है पंप करके भी पिला सकती हैं, अगर आपको कभी भी कोई दिक्कत होती है। और एक बात का स्पेशली ध्यान रखें कि आपको अपनी निप्पल्स वगैरह में कट नहीं लगने देना है, नहीं तो आपको फीड कराने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत होगी। इसके लिए आप हमेशा एक बात ध्यान रखें कि जब भी आप बच्चे के मुंह से निप्पल्स को निकालती हैं तो बच्चा अक्सर सो जाता है, इसलिए हमेशा जो है बच्चों के मसूड़ों के बीच में अपनी उंगली डालकर ही निप्पल्स को बाहर निकालें। इससे आपकी निप्पल्स में बिल्कुल भी कट वगैरह नहीं लगेगा, और हमेशा बच्चों के मुंह में निप्पल्स के साथ साथ जो ब्लैक एरिया होता है निप्पल्स के चारों तरफ का, उसको भी पूरा मुंह में रखें। इससे आपको ब्रेस्ट फीडिंग कराने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी एंड बच्चा भी बहुत अच्छे से फीड कर पाएगा। एंड पॉइंट नंबर 7, जब आप ट्विंस को ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं तो आपको रोज 500 एक्स्ट्रा कैलोरी बर्न करनी पड़ती है। इसके अकॉर्डिंग आपको हर दिन लगभग 1000 कैलोरी खर्च करनी होगी। इसका मतलब है कि आपको ज्यादा खाना भी पड़ेगा, तभी आप ट्विंस बेबी को ब्रेस्ट फीड करा पाएंगी, और आपको बहुत सारा पानी पीना है, और इसके अलावा आपको एक हेल्दी डाइट लेनी है, और आपको डाइट में ऐसी चीजें लेनी है जिनसे ज्यादा से ज्यादा ब्रेस्ट मिल्क बने। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक जरूर करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन भी दबा दें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।